लू लगना क्या होता है, या आप हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक से क्या समझते हैं। अगर आपके ये क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और इस वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे कि इनसे क्या होता है और इनसे कैसे आसानी से बचा जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में उनकी मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। और आइए अब हम आज की अपनी लर्निंग पर चलते हैं, जो कि है लू लगना किसे कहते हैं। लू हम कहें तो हमारे स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर इस वक्त जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है समर्स में, स्पेशली मई और जून के अंदर, तो जो गर्म हवाएं चलती हैं उसको हम लू कहते हैं। और इस गर्म हवाओं से और इस ज़्यादा तापमान से अगर कोई व्यक्ति बाहर ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती हैं, उसके सारे शरीर में इससे दुष्प्रभाव पहुँचते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ सकता है, और अगर इसको ध्यान उचित समय पर ना दिया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस गर्मी में अपने दिन को अच्छे से प्लान करें, बनाएं और इससे बचें। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से हम समझते हैं गर्मी से और लू लगने से आपके शरीर को क्या क्या हो सकता है और इससे कैसे बचा जाए। मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं कि आज का जो ये विषय है ये वेट लॉस या आपका ड्रीम बॉडी वेट अचीव करने के लिए तो नहीं है, परंतु हमारे एक दर्शक ने मुझे कहा कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी, कृपया आप इसके लिए एक वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उसके लिए बनाया है। तो मैं आप सबको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी किसी प्रकार की कोई भी हेल्थ को लेकर समस्याएं हैं तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं और मैं उनके लिए जल्द ही कोई वीडियो लेकर आपको प्रस्तुत करूँगा, जैसे कि मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। चाहे कभी कभार वो मुझे ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पीपल में लगता है तो मैं टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट भी हो जाऊं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं यही चाहता हूं कि हम सब लोग और बेहतर और स्वस्थ और एक अच्छा जीवन जी पाएं, जिसके लिए मैं डिवोटेड हूं। तो आइए अब हम अपनी लर्निंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लू क्या होता है, व्हाट इज इट। तो अगर हम लू की बात करें तो लू लगना एक एक्सट्रीम टाइप ऑफ हीट इंजरी है। आपके बॉडी को ज़्यादा तापमान से ऐसी इंजरी हुई है जिससे उसके अंदर दुष्प्रभाव होने लगे हैं, इसको हम लू लगना कहते हैं। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तापमान के अंदर काम कर रहा है या एकदम से ऐसे तापमान में जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज टेम्परेचर है, तो उसकी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती और उसकी वजह से जो उसका बॉडी से वाटर लॉस होता है और तापमान बढ़ने से जो दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचता है, या हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो मैकेनिज्म है वो डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो अब शरीर को ठंडा करने के लिए ज़्यादातर सुपरफिशियल अंगों में ज़्यादा बह रहा है और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके अंदर खून की कमी हो रही है। तो इस डाइवर्जन ऑफ फ्लो की वजह से उन हमारे अंगों को नुकसान पहुंचता है और इसलिए वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, जिससे हमारी बॉडी कोलैप्स होकर मल्टी ऑर्गन डिसफेलियर भी हो सकता है और नुकसान पहुंच सकता है। इसके अंदर ज़्यादातर आपका बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फारेनहाइट से ज़्यादा या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लगातार बना रहता है। ये जो टेम्परेचर है कोर बॉडी टेम्परेचर है, अगर इसको हम नापें तो रेक्टल थर्मोमीटर और रेक्टल टेम्परेचर इसमें ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और ये समर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि समर्स के अंदर अब आपको पता ही है कि स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में जो हमारे स्पेशली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया, यूपी के कुछ पार्ट्स, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं कहीं तो टेम्परेचर 50 प्लस चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस, इतना हॉट यहाँ एनवायरनमेंट हो जाता है। और दोपहर के वक्त तो गर्म हवाएं जिनको हम लू बोलते हैं वो इतना ज़्यादा चलती हैं, अगर उस वक्त
कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा देर उनके अंदर रहता है और पानी अच्छे से नहीं पी रहा है या ब्रेक्स नहीं ले रहा है काम करते हुए, तो वो उसके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और ये जो समस्या है इसको इमरजेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर इसमें हम थोड़ा सा भी डिले करते हैं तो हमारे शरीर को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि हमारी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा हम समझें, लू लगने के अलावा और हीट से हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंच सकता है? और जो दूसरी हीट की वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है वो थोड़ी माइल्डर फॉर्म्स होती हैं, और उनको हम देखें तो जैसे आप इमिजिएटली सन में गए तो जो आपके एक्सपोज पार्ट है वहाँ पे आपको सनबर्न हो जाता है, वो रेड पड़ जाता है, उसके अंदर आपको इरिटेशन होती है, तो सनबर्न काफ़ी कॉमन है। उसके अलावा आपने सुना होगा हीट रैशेज या प्रिकली हीट, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं घमोरियाँ हो जाना शरीर पे, छोटे छोटे रेड कलर के पेप्यूल्स बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म तापमान में घूम रहे हैं और या किसी भी कारण से हैं तो हमारे शरीर में स्वेटिंग होती है काफ़ी, तो हमारा जो शरीर से मिनरल्स का भी लॉस होता है और पानी का भी, तो ऐसे में मांसपेशियों में क्रैम्प्स आते हैं जिसको हम हीट क्रैम्प्स बोलते हैं। और ये जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ती है ऐसे वो हीट एग्जॉशन बिकॉज ऑफ मोर फ्लूइड लॉस, ज़्यादा पानी आपके शरीर से जब बाहर चला जाता है तो उसके अंदर हीट एग्जॉशन, और बाद में जैसे ही आप चल रहे हैं तो आपको चक्कर आना या चक्कर आने की वजह से आप गिर गए, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और अल्टीमेटली अगर ये चीज़ें बहुत लगातार चलती जाएँ तो हमारे को सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक या लू लगना भी हो सकता है। तो ये तो बात हुई कि एक्चुअली में सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक कितने प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का है, नॉन एक्जर्शनल और क्लासिक टाइप, और स्ट्रेनस एक्टिविटी के साथ जो एसोसिएटेड है। नॉन एक्जर्शनल और क्लासिकल टाइप के अंदर एकदम से जब कोई व्यक्ति ज़्यादा तापमान के अंदर जाता है तो उसके शरीर का जो वाटर लॉस होता है और जो शरीर उसे अडेप्ट नहीं कर पाता है, इसकी वजह से जो हीट स्ट्रोक होता है उसे हम नॉन एक्जर्शनल टाइप और क्लासिकल टाइप कहते हैं। हालांकि अगर हम गर्म एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो इतना गर्म ना भी हो लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, तो उस एक्टिविटी के कारण जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इस टाइप ऑफ हीट स्ट्रोक को हम स्टर्नस एक्टिविटी इंड्यूस्ड हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक कहते हैं। तो ये दो मेन टाइप्स हैं और दो मेन कारण हैं जिनकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक होता है। अब हम बात करते हैं क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये लोगों को हो जाता है, या इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं। इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मेनली हैं कि हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रहे हैं या ऐसा कपड़ा या फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रेसिपिटेशन को हमारा प्रमोट नहीं करता, वो इजी टू ब्रीद इन फैब्रिक नहीं है, या बहुत टाइट फिटेड क्लोथ्स हम पहन रहे हैं, हम अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। अल्कोहल कहने को तो आपने शायद किसी वाटर या लिक्विड के साथ लिया और वो खुद भी लिक्विड है, लेकिन वो हाइपर टॉनिक होता है तो वो बहुत ज़्यादा वाटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हमारे सेल्स जो हमारी बॉडी में हैं उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो हम डिहाइड्रेटेड स्टेज में पहुंच जाते हैं। चाहे कि हमने अल्कोहल के साथ बहुत ज़्यादा पानी पिया है तो भी हम डिहाइड्रेटेड स्टेज में होते हैं, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ऑलरेडी किसी भी कारण से डिहाइड्रेटेड स्टेज में हैं तो वो भी एक कारण बनता है, और स्पेशली जब हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जैसे हम ठंडे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, और एकदम से हम ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि हमारी बॉडी अभी एक्लिमेटाइज नहीं हुई है, एकदम से उस एनवायरनमेंट के लिए आदि नहीं हुई है, अडेप्ट नहीं कर पाई है, तो एकदम से हम ऐसे एनवायरनमेंट में आके अगर हम रूटीन एक्टिविटीज़ या रूटीन से थोड़ी ज़्यादा मॉडरेट एक्टिविटीज़ भी करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे को हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि अभी हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं हुई है, अडेप्ट नहीं हुई है। तो ये तो बात हुई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। अब बात करते हैं कि ऐसे किसी इंसान को जिसको लू लगी है या सनस्ट्रोक हीट स्ट्रोक हुआ है तो उसको क्या लक्षण आते हैं। हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जो ऐसा पेशेंट है जिसको हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक हुआ है तो उसके अंदर ज़्यादातर जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या 104 डिग्री फारेनहाइट से ज़्यादा होता है,
और उसके अलावा जो और सिम्टम्स हैं वो हैं अल्टर्ड मेंटल स्टेट और बिहेवियर। अल्टर्ड मेंटल स्टेट और बिहेवियर होता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। जितना डिहाइड्रेशन होगा, जितना पानी की कमी होगी, उससे हमारे दिमाग के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर पानी की कमी होगी, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें कन्फ्यूजन होता है, एजिटेशन होता है, हमारी स्पीच साफ नहीं होती, उसके अंदर स्लरिंग आ जाती है, हम इरिटेबल हो जाते हैं, हैं हमारे को उसके ऐसी अवस्था के अंदर दौरे भी पड़ सकते हैं, और कुछ लोग कोमा में भी जा सकते हैं, या उन कुछ लोगों को डिलीरियम भी हो सकता है। उसके अलावा जो सिम्टम है वो है हमारा जो स्वेटिंग पैटर्न है, जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है इंक्रीज टेम्परेचर को, वो अल्टर्ड हो जाता है, और वो अल्टर होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि अगर हम देखें, अगर बहुत गर्म वेदर में हम चले गए हैं और हमने कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं की है, तो उस वक्त हमारी स्किन बिल्कुल हॉट एंड ड्राई होगी। हालांकि अगर ये एक्सर्शनल टाइप ऑफ सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक या लू है, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कआउट किया है, तो हमारी स्किन हॉट तो होगी और थोड़ी बहुत मॉइस्ट हो सकती है, लेकिन हम इसके अंदर भी लू का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया, वो डिहाइड्रेटेड स्टेट में चली गई और मिनरल लॉस भी हुआ है। इसके अलावा हम बात करें और क्या सिम्टम हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है मरीजों को, उनकी स्किन बिल्कुल फ्लश रेड हो सकती है। जो इस इंसान को ऐसी दिक्कत है, उसकी जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है, यूजुअली 17 से 18 हमारा ब्रीथिंग रेट रहता है पर मिनट, तो वो बढ़ के उनको टेकेपनिया हो जाता है। ब्रीथिंग रेट बढ़ गया तो 30, 35, 40 तक भी कई लोगों को पहुंच जाता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, वो ऐसे हांफने लग जाते हैं बात करते हुए, कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उनको हो रही हो। इसके अलावा उनका जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाता है, जिसको हम अपनी हमारी भाषा में कहते हैं टेकिकार्डिया, या साधारण भाषा में कहें उनकी नब्स बहुत ज़्यादा तेज दौड़ने लगती है। जो नॉर्मल हमारी नब्स होती है वो 70 से 80 तक वेरिएबल होती है, कुछ लोगों में 85 तक भी नॉर्मल रह सकती है, वो बहुत ज़्यादा 90 प्लस है, 100 है, 110 से ऊपर चली गई है नब्स, इतनी जल्दी भाग रहा है, हार्ट रेट बढ़ गया है हमारा। इसके अलावा हम बात करें तो हमको हेडेक हो सकता है, हेडेक के अलावा हमको डिजनेस, चक्कर आना, ये भी इसके सिम्टम्स होते हैं। हम बात करें रिस्क फैक्टर, कौन लोग हैं जिनको ये ज़्यादा रिस्क है लू लगने की, कौन लोग हैं किनके अंदर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक एज की बात करें, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जो बच्चे हैं, जो एल्डरली हैं, जो अपना टेम्परेचर रेगुलेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बच्चा तो अभी टेम्परेचर को अडेप्ट करना सीख रहा है, और जो वृद्ध है कब, क्योंकि उनके और ऑर्गन्स इतने अच्छी तरह इफेक्टिवली फंक्शन नहीं करते, तो उनके अंदर और प्रॉब्लम्स की वजह से वो टेम्परेचर भी इतने अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाते। इनकी वजह से जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, इन दोनों के अंदर ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, अगर ऐसे टेम्परेचर में ये जाते हैं तो इनको ज़्यादा नुकसान होने की आशंका रहती है, ये हमेशा रिस्क पे बने रहते हैं। इसके अलावा अगर हॉट वेदर के अंदर हम बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं और ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं, पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो भी ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। एकदम से खाली हमें अच्छे से एनवायरनमेंट में थे, अब हम यहाँ पे किसी भी कारण से या घूमने डेजर्ट में आ गए हैं और हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं की है, एकदम से सडन एक्सपोजर है हॉट एनवायरनमेंट को, तब भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें लैक ऑफ एयर कंडीशनिंग और चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, स्पेशली जब कोई बंदा हॉट वेदर कंडीशन में काम कर रहा है, तो उसके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस इस प्रकार की हैं, अगर कुछ व्यक्ति उनको ले रहे हैं तो उनके अंदर भी ऑलरेडी पानी की कमी हो सकती है, और जिसकी वजह से उनको ये दिक्कत बहुत जल्दी या शॉर्ट ड्यूरेशन में आ सकती है। जैसे कि कुछ दवाइयाँ, जैसे कुछ लोग बीटा ब्लॉकर्स बीपी को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, या डायुरेटिक लेते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए, शरीर में से एक्सेस पानी निकालने के लिए, या कुछ लोग वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स यूज़ कर रहे हैं डीकंजेशन के लिए या किसी और काम के लिए, कुछ स्पेशल एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस भी इसमें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, या जो लोग ऐसी दवाइयां ले रहे हैं
उनको ये दिक्कतें बहुत जल्दी आ सकती हैं। इसके अलावा हम कहें हेल्थ कंडीशन, अगर हमारी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, हम हेल्दी नहीं हैं, स्पेशली अगर हमको क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, कुछ भी, चाहे लीवर की हो, लंग की हो, हार्ट की हो, डायबिटीज हो, किडनी डिजीज हो, लंग डिजीज हो, ये सारी चीज़ें हमें ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत जल्दी से डिटरेशन की तरफ ले जाती हैं और हमें ऐसी समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। कहने का मतलब, अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हम बहुत मिनिमल हाई टेम्परेचर को भी नहीं झेल पाएंगे और हमारी बॉडी डिटेरिएट होकर ऐसे लू लगने वाले, हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक के सिम्टम्स देने लगेगी। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल, कुछ लोग काम ही ऐसा करते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ की एनवायरनमेंट काफ़ी हॉट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि जो लोग भट्टे पे काम करते हैं, जो लोग स्पेशली फर्नेंस वर्कर हैं या माइनिंग में काम करते हैं, उनके अंदर माइनिंग करते हुए वो काफ़ी डीप अर्थ के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा पसीना हमारा बहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसे में ये लोग भी बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हैं ऐसे एक्सीडेंट्स में जहाँ उनको हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक हो जाता है। हालांकि यहाँ सनस्ट्रोक हम कहें तो वो नहीं है, क्योंकि सन एक्सपोजर की वजह से नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उनके एनवायरनमेंट में था और बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ, तो मैकेनिज्म जो बॉडी को नुकसान हुआ वो वही है। इसलिए हम कहते हैं कि जो माइनिंग वर्कर्स हैं वो भी ऐसी दिक्कत के लिए काफ़ी ज़्यादा ससेप्टिबल हैं, या और इंडस्ट्रियल वर्कर जो कोई बॉयलर्स के अंदर काम कर रहे हैं, किसी थर्मल प्लांट्स में काम कर रहे हैं जहाँ का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हैं कि वो उनको ऐसी दिक्कत हो सकती है। अब हम करें, अगर किसी को ऐसी कोई समस्या हो गई है तो हम क्या करें, हमारा क्या दायित्व बनता है? हमें एक तो अर्जेंट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि हमारे जिस भी कलीग को, जिसको भी ये दिक्कत हुई है, हम उसे ऐसी प्रॉब्लम से बचा सकें। अपने एरिया का एमरजेंसी कॉल आप लगाएं और हेल्प को डिमांड करें, जैसे कि इंडिया में इट इज़ 108। अर्जेंट एक्शन, जब तक आपके पास मेडिकल सपोर्ट नहीं आ रहा है, जब तक आप क्या करें, आप करें जिस व्यक्ति को ऐसी दिक्कत हुई है उसको आप छाया में ले जाएं, उसको अगर वो होश में है ठंडा पानी पिलाएं, इलेक्ट्रोलाइट रिच पानी पिलाते हैं आप उसको ऐसे में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि जो अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट रिच पानी इस वक्त नहीं है तो आप उनको चाहे सिंपल पानी पिलाएं, ठंडा पानी पिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके जो एक्स्ट्रा क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे हैं उसको हटा दें और किसी भी माध्यम से उस व्यक्ति को ठंडा करने की कोशिश करें, उसके ऊपर ठंडा पानी डालें, कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, उसको एक शावर आप दिला सकते हैं, अच्छा उनको आप एक पंखे के नीचे ले जाएं, उनके ऊपर बीच बीच में पानी छिड़कते रहें, आइस पैक्स का भी इस्तेमाल आप ऐसे लोगों में कर सकते हैं ताकि उनके शरीर का तापमान जल्द से जल्द कम हो और उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी और अच्छा हो जाए। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन इसके हैं क्योंकि ये हर किसी आपके ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, तो ये हर किसी ऑर्गन को नुकसान भी पहुँचाता है, तो इसलिए वाइटल ऑर्गन डैमेज, चाहे वो आपके गुर्दे हो, चाहे वो आपका लिवर हो, दिमाग हो, ये हर आपके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को, लंग्स को नुकसान पहुंचा रहा है और इवेंचुअली मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन की वजह से, या ज़्यादातर अंग जब हमारे काम नहीं कर रहे तो ये जल्दी से उस व्यक्ति की डेथ भी ऐसे में हो सकती है। तो अब बात है कि जब ये समस्या ऐसी है कि इसमें मरीज को डेथ तक का दिक्कत हो सकती है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे ये ना हो? तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा से हर किसी को बताया गया है, पर हम इसका ध्यान नहीं देते, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो हमें लू ना लगे, हमारे चाहने वालों को लू ना लगे, उनको हम ऐसा क्या बताएं या हम उनको हमेशा ऐसी क्या हिदायत दें कि वो उसको फॉलो करें और इससे बच पाए? तो वो हैं ये 14 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। लूज फिटिंग क्लोथ,
गर्मी के अंदर हमेशा लूज फिट क्लोथ पहने, टाइट फिट क्लोथ आप कृपया ना पहने, ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन इजी रहे, एयर फ्लो उसमें अच्छे से हो, तो ये बेहतर रहेगा। और आप ऐसा फैब्रिक पहने जो एयर फ्लो को एनहेंस करता है, सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। कॉटन वाले क्लोथ्स पहने, ऐसे जो फैब्रिक हमारे जैसे नाइलॉन या ऐसे जो हमारे दूसरे फैब्रिक हैं जिसके अंदर एयर एक्सचेंज इतना इजी नहीं होता, तो वैसे क्लोथ हमें गर्मी में नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा हमें लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए, स्पेशली अगर हम आउटडोर जा रहे हैं और बहुत डार्क कलर पहनते हैं तो ये भी काफ़ी हीट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और इससे आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गर्मी फेस करनी पड़ती है, और उसकी वजह से आपके शरीर का तापमान बहुत जल्दी बढ़ जाता है और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है। तो अगर आप लाइट कलर्स पहनेंगे तो उतनी ही आपकी जो बॉडी है वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगी और कम नुकसान उसको होगा। इसके अलावा आपको ऐसे चीज़ों का उपाय करना चाहिए जिसकी वजह से आप सन या हीट एनर्जी, हीट इंजरी से बच सकें, जैसे कि यूज़ ऑफ सनस्क्रीन, यूज़ ऑफ हैट्स, यूज़ ऑफ गॉगल्स, अम्ब्रेला, ताकि जितनी हीट कम से कम आपके पास पहुंचेगी तो कम से कम आपको इंजरी होगी। इसके अलावा हम बात करें तो हम कहते हैं खूब सारा पानी पीजिए, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एज मच एज पॉसिबल, जितना आप अच्छे से पिएंगे उतना बेहतर रहेंगे। हमेशा स्पेशली जो लोग ऐसे एरियाज में काम कर रहे हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हम बात करें वो प्लेन पानी के अलावा या प्लेन पानी को अवॉइड उन्हें करना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट रिच पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो लोग ऐसी कंडीशन में हमेशा काम करते रहे हैं और हमने हमेशा काम करना है, दे आर प्रीडिस्पोज्ड टू सच टाइप ऑफ थिंग्स, तो उससे बचने का आसान उपाय है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पसीना हमारे शरीर से बहा है तो उसमें बहुत सारे मिनरल लॉस भी हुआ है, तो हमें ऐसे में मिनरल रिच पानी पीना है। और ऐसे लोग जो रिस्क फैक्टर पे हैं वो हैं एथलीट्स, वो हैं मिलिट्री पर्सनल जो हॉट एनवायरनमेंट कंडीशन में, उनको पता है कि इनकी यहाँ पोस्टिंग है, उन्हें ये काम करना ही है, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो उन्हें हमेशा इलेक्ट्रोलाइट रिच वाटर अपने पास रखना चाहिए, उन्हें प्लेन वाटर ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, मैं दोबारा बता दूं, अगर ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट वाटर नहीं है, प्लेन वाटर भी है तो वो भी इफेक्टिव है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट रिच वाटर ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, माइन वर्कर्स हैं, वो भी इलेक्ट्रोलाइट रिच वाटर को यूज़ कर सकते हैं और उन्हें वही पानी पीना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमेशा जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी पीकर ही निकलें, ताकि आपका बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहे, आपके बॉडी के रिजर्व्स बने रहें, ताकि अगर कुछ स्वेट लॉस के अंदर हमारा वाटर लॉस हो रहा है तो भी हमारी बॉडी के पास एडिक्वेट रिजर्व है। अपना पानी का बॉटल हमेशा साथ लेकर चलें और हमेशा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें, स्पेशली जो लोग कुछ मेडिकेशन पे हैं, जैसा मैंने पहले बताया, जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर ले रहे हैं, कोई बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, एंटीसाइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, या किसी प्रकार का कोई डायबिटिक ले रहे हैं, या कुछ वो हार्ट डिजीजेज या किडनी डिजीजेज या लंग डिजीजेज की ऑलरेडी मेडिकेशन उनकी चल रही है, कोई भी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज की ट्रीटमेंट उनका है, तो उनको और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा कभी भी आप पार्किंग स्पेस में अपनी गाड़ी के अंदर ना बैठें और ना किसी को छोड़ के जाएं, चाहे आपका एसी ऑन हो, इतनी गर्मी के अंदर चाहे आपका एसी ऑन भी है और आप अगर स्पेशली आपने वहाँ किसी को छोड़ रखा है या खुद ऐसे में बैठे हैं, तो वो उस एनवायरनमेंट में भी आपको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग केस अलॉन्ग विद हीट वेव, बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं कि लोग एसी चलाकर गाड़ी में बैठे थे और एकदम से उनको पता नहीं क्या हुआ और वो बेहोश हो गए और फिर उनकी डेथ हो गई, ये काफ़ी कॉमन है। इसके अंदर मैं एक छोटा सा सुझाव आपको दे सकता हूँ, स्पेशली अगर कुछ लोग ऐसे बैठे भी हैं या कभी रहना भी पड़ता है, तो आप अपनी जब गाड़ी के अंदर एसी का कूलिंग हो जाता है तो उसके बाद हर गाड़ी में लगभग ये ऑप्शन है आउटसाइड एयर, तो अगर आप आउटसाइड एयर को प्रमोट करते हैं और उसकी रिसर्कुलेशन बार बार गाड़ी में होती है, तो आप कुछ हद तक ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को कम कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी गाड़ी के अंदर
आप एसी की हवा सर्कुलेट कर रहे हैं और आपने इनसाइड एयर सर्कुलेशन पे लगा रखी है, धीरे 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 अगर उस गाड़ी के अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हैं और वो एयर बार बार यूज हो रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी गाड़ी में बढ़ रही है, क्या होता है धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा ऑलमोस्ट डिप्लीट सी हो जाती है और सफोकेशन से इंसान डेथ को प्राप्त होता है। तो कृपया आप इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा जब भी गर्मियों के अंदर, हमेशा अपना शेड्यूल और अपना डे पहले से ही प्लान कर लें, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी का स्पेशली दोपहर का समय होता है तो हमेशा ऐसे टाइम में इंडोर ही रहें और बाहर का कोई काम ना करें, जब तक कि वो बहुत ही इमरजेंट हो या इम्पॉसिबल हो कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी और ठंडे स्थल पर रह रहे हैं और आप कहीं घूमने किसी गर्म स्थान पर गए हैं या आप ऐसी जगह जा रहे हैं, तो ये एडवाइजेबल है हमेशा पहले आप अपने एनवायरनमेंट को एक्लेमेटाइज करें, कुछ दिन वहाँ पर रहें, उसके बाद काम करें। ऐसे ही ये एक्लेमेटाइजेशन उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो नए वर्कर हमने रिक्रूट किए हैं, जो ऐसी इंडस्ट्रीज में आए हैं कि जहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है, उन्हें ऐसे तापमान में काम करने की आदत नहीं है, तो धीरे धीरे अपना वर्क प्रेशर बढ़ाएं, धीरे धीरे काम करें और अडेप्ट करें उस एनवायरनमेंट को, और ऐसे एनवायरनमेंट में हमेशा कि काम करें, फिर छोटा ब्रेक लें, अपने आप को ईजी करें और कूल करें और दोबारे फिर काम करें, शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहें, ऐसी पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है। हालांकि जो भी ऐसी इंडस्ट्री है उन्होंने भी अपनी कोई पॉलिसी अपने वर्कर्स के लिए बना रखी होगी, तो अपनी इस पॉलिसी का भी आप इस्तेमाल करें और उसका ध्यान दें। इसके अलावा हम बात करें 12th नंबर की, हमेशा सतर्क रहें, कॉशियस रहें कि अगर आप इंक्रीज रिस्क पे है तो आपको क्या करना है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, हमेशा उन चीज़ों को याद रखें। 13th नंबर हम देखें, अपने जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, आप कहीं पे भी किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन को जितना मिनिमम आप करेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन हम कर रहे हैं उसी की वजह से हमारे एनवायरनमेंट का एम्बिएंट टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। इससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, हमारा सी का जो वाटर लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें खूब सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकें, हमें अपने व्हीकुलर इमिशंस को ब्रेक लगाना चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो वहीं हम व्हीकल इस्तेमाल करें या ऐसे व्हीकल इस्तेमाल करें जो कि अच्छे हैं और अच्छे हालात में हैं, कम से कम पोल्यूशन कर रहे हैं, और स्पेशली ग्रीन व्हीकल्स हैं तो बहुत ही बेहतर हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी हैं और आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा हमारे पास अब उपलब्ध हैं, तो हमें उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम अपने इस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर पाएँ, इसका एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ने से रोकें। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमेशा हमें माइंडफुल रहना चाहिए कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में और हमारे कितने मित्र काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ऐसे किसी हमारे मित्र को, हमारे किसी दोस्त को, हमारे किसी कलीग को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इमिडिएटली हमें देखें, अगर उसको ऐसा कुछ है तो तुरंत, जैसे कि जो मैंने आपको अभी बताया कि उनको पानी पिलाएं, छाया में ले जाएं और मेडिकल हेल्प की इमिजिएट आप उनको फ़ोन करके बुलाएं, ताकि हम अपने मित्रों का, अपने एनवायरनमेंट में जो भी हमारे साथ हैं उनको हम ऐसी इंजरी से बचा पाएं। मैं उम्मीद करता हूं अब आप ये वीडियो देखकर लू, सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक या हीट से होने वाली इंजरीज को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम इनसे कैसे बचें। आप इन सब प्रिवेंशंस का, और स्पेशली कि ऐसे में किसी व्यक्ति को ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उसको एक फर्स्ट एड तो अब देने में सक्षम हो ही गए होंगे, और हम एक दूसरे को ऐसी बातें बताएं और ये वीडियो खूब शेयर करें ताकि ये सब लोगों के काम भी आए, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस लू लगने की प्रक्रिया को जितना कम से कम कर पाएं और ख़त्म कर दें तो बहुत ही अच्छा है, कि हम सब इतने समझदार और इतने एक्टिव हो गए हैं कि हम अपने सराउंडिंग्स में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं
होने दे रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं या आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और साथ ही कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करें और उसके अंदर आपको इससे वीडियो से क्या समझ आया, क्या आपको अच्छा लगा, उनको भी शेयर करें। आपकी कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको भी इन्यूमरेट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी वेट लॉस जर्नी की कोई भी समस्या है, आपके कोई भी ऑब्स्टेकल्स हैं, कहीं पे आप रुके हुए हैं, कोई आपको समस्या है, परेशानी है, कहीं आपको और क्लैरिटी की जरूरत है, तो आप उनको भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं उनको पर्सनली पढ़ता हूँ और उनको देखकर मैं जल्द ही एक वीडियो प्रस्तुत करूँगा और मैं अपने आस्पेक्ट को आपसे शेयर करूँगा ताकि आप उसका भरपूर फायदा उठा पाएं। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, खुश रहें।